है मेरी चाय। आते तुम यहाँ रुक जा। इसने मुझे धक्का मार के सोफे में से नीचे गिराया। हाँ मैं कितने सुपर फास्ट काम करती हूँ, तो मेरा मसाला अभी भी तैयार नहीं हुआ, तो ये चढ़ा देती हूँ चावल। अभी दूंगी हाँ दोनों को, दूध गिर गया था अभी मेरा। हाँ हेलो एवरीवन, तो ब्लॉग की शुरुआत तो मैं मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। मैंने अभी अपने लिए पराठा बनाया, वैसे तो मम्मी के लिए रोटी बनाई और अपने लिए पराठा बनाया, सब्जी वब्जी से भरा हुआ यम्मी सा खूब घी का पराठा, और चाय के साथ मैंने खा लिया। और उसके बाद बेटी को उठाती हूँ मैं, उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं, बादाम हैं, अखरोट, तो मैं उसको डेली मतलब ये सब कुछ देती हूँ दूध के साथ, बचपन से ही आदत है। और उसको स्कूल भेजने के बाद तसल्ली से फिर मैं पी लेती हूँ चाय धूप में बैठ के। ये ब्लॉग मेरा सैटरडे का ब्लॉग है, फ्राइडे का, सैटरडे मॉर्निंग का ब्लॉग है, तो आज ही का ब्लॉग है, सॉरी। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं डेली अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, तो सुबह के काम तो हर कोई करता है, हर महिला करती है, जो हाउसवाइफ हैं चाहे वर्किंग वूमेन हो, हर कोई अपने काम हर कोई करता है। तो मैं भी अपने जो डेली के काम हैं पूरे मतलब डेली करती हूँ ईमानदारी के साथ, बिल्कुल लगन के साथ, गाने वाने चला के मस्त होके। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इतना कुछ करती हूँ, खुशी मिलती है किसी को कुछ देने में। तो साथ साथ मैं यहाँ पर पानी भी भर रही हूँ। आरओ तो है हमारे पास, मगर हमारे घर में हमारी मम्मी जो हैं वो फ़िल्टर का पानी पीती हैं, तो मुझे फ़िल्टर भी भरना पड़ता है। तो पानी की दिक्कत कब हो जाए कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि आरओ में तो कंटिन्यू आते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो ये फ़िल्टर में डालने वाला पानी है ये कभी आता है कभी नहीं, कभी मैं भर पाती हूँ कभी नहीं। तो आज मुझे मौका लगा है, पानी आ रहा है तो मैं भर लेती हूँ। मेरे पास तांबे की गगरी है, उसमें भर के पानी अच्छा भी, मैं भी ज़्यादातर मोस्टली फ़िल्टर का पानी ही यूज़ करती हूँ। काम करते करते मुझे काफ़ी भूख लग जाती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा खाते रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने एनर्जी के लिए 2 केले खाए, उससे पहले देखा ही होगा आपने मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर मैंने काम करते रहती हूँ तो इस वजह से बॉडी को मुझे लगता है कि हाँ एनर्जी चाहिए, तो मैं 2 केले फिर से खा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद नहीं चलूँगी तो फिर मेरा परिवार कौन देखेगा, तो मुझे इस चीज़ की बहुत चिंता रहती है। तो घर की साफ़ सफाई तो होते रहती है डेली, कभी ज़्यादा भी हो जाता है काम, कभी कम भी हो जाता है। आजकल मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है तो काम का लोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो ये मेरे डेली के ही काम है। मैं इतनी जल्दी वैसे हार नहीं मानती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ मैं इतना मेरे पास कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं, क्या आते हैं, मुझे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी लाइफ में। वो
वो जो मेरे कमेंट्स हैं वो मुझे एनर्जी देते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं और अच्छा काम कर सकती हूँ शायद। कभी कभी मुझे एडिटिंग में करने में दिक्कत आ जाती है, समय नहीं मिल पाता है, तो मैं ब्लॉग का मेरा कोई नियम नहीं हो पाता कि मैं ब्लॉग किस समय पे डालूं। वैसे मैं सैटरडे संडे डालती ही हूँ ब्लॉग। मैं कोशिश करती हूँ पूरी की पूरी कि मैं आप लोगों को अपना डेली वर्क दिखाऊं, योगा दिखाऊं, सब कुछ, मतलब अपने लाइफ स्टाइल दिखाऊं, पूरी कोशिश रहती है। तो आज मैंने हिम्मत करके सब कुछ, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा जब करती हूँ ना मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मोबाइल इधर से उधर ले जाओ, स्टैंड ये करो वो करो, पर जब एक ब्लॉगर है तो उसको ये सब कुछ तकलीफ तो झेलना ही पड़ेगा। तो मेरी भी एक छोटी सी कोशिश यही है कि मैं भी एक अच्छी यूट्यूबर बनूँ। तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। अभी मैंने पानी और भी भरना, वहाँ पानी लगा रखा है मैंने, तो पानी शायद बह भी रहा होगा। पानी मैं एक साथ बहुत सारे काम करने, और अभी दिन में मेरे को चिकन भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी मॉर्निंग के काम मेरे इसीलिए जल्दी हो जाते हैं क्योंकि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। काम तो करने ही है, पर आज थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन हो रही है क्योंकि मेरे आजकल पीरियड्स के दिन चल रहे हैं, तो मगर फिर भी काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। कौन करेगा, आप लोग आओगे करने के लिए, तो ये तो डेली का, ये हर महीने का झंझट है, तो इसलिए इसको इग्नोर करते हुए करते हैं अपने काम। और जल्दी जल्दी देखा, ये हमारी डिग्गी है, पानी की डिग्गी है, यहाँ पर पानी स्टोर करना पड़ता है। और ये पानी हमारा, मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं, पता नहीं सब है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, पता नहीं चलता है कि पानी कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, देखना पड़ता है। डिग्गी में तो अपने आप चला जाता है, फिल्टर में अब डालना पड़ता है, तो उसके लिए देखना पड़ता है ना। तो ये है मेरा इतना बड़ा डस्टबिन जो भर चुका है, और अभी जब मैं बात कर रही हूँ ना, मेरा दोनों मेरे साथ है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही है बोलते हुए। तो आज कचरे वाला भी काफ़ी दिनों से नहीं आया है, एक अंदर छोटा डस्टबिन रखती हूँ, बाहर ऐसा बड़ा डस्टबिन रखती हूँ दोनों। तो काम सारे निपटा दें, मैं सोचती हूँ काश मेरे 8 हाथ पैर होते माता रानी, 8 हाथ होते माता रानी की तरह, तो मैं सारे काम कर लेती। फिर भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सारे काम, मतलब टाइम टू टाइम निपटा दूँ, और कोशिश में जहाँ तक है कामयाब भी रहती हूँ। हमारा तो मन शुद्ध है ना, मतलब मन तो हमारा सरल और शुद्ध है, हम पूजा तो मन से ही करते हैं, मेन अस्ति तो यही बात है कि मन, हम मन से ही पूजा करते हैं। मंदिर तो एक, मतलब एक बोलते हैं ना, ठीक है चलो मंदिर जाना भी ठीक है, पर मैं उतना इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो क्या कहते हैं, मैंने देखा कितने सारे काम निपटा दिए दिन होते होते, अब मुझे बनाना है चिकन। मैंने रील्स के लिए पहनी है साड़ी, तो मैंने कहा पहले मैं क्यों ना साड़ी पहन के ही सारा काम कर लेती हूँ, चिकन विकन बना लेती हूँ, उसके बाद रील भी बनाऊँगी ये शायद। हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, मेरा कल का ब्लॉग है, और उसके बाद मैंने जल्दी से मसाले वसाले की तैयारी मैं सुबह से ही कर रही थी, ताकि चिकन जब आए तो मैं जल्दी से उसको सिर्फ
कढ़ाई में डाल दी मैंने चिकन विकन धोया बढ़िया से और चिकन बनाना शुरू कर दिया। अब जो लोग जल्दी खाते हैं तो वो लोग पूरा मत मानना। डॉन के लिए मैं बॉईल करती पहले क्योंकि इसको मैं अपना वाला नहीं लेते हूँ, मैं मसाले की तैयारी पहले से करती हूँ। तो डॉन को थोड़ी चार पाँच पीस डॉन के लेंगे और मैं बॉईल कर देना क्योंकि डॉन का गर्म डाल के हाथों हाथ काम करना पसंद है ताकि सिंक में बर्तन इकट्ठे ना हो पाए करके मैं ए टू जेड जो एक एक करके भी बर्तन होते हैं ना उनको जल्दी जल्दी धोते रहती हूँ क्योंकि बाद में तुम धोने में मुझे ही है तो वो ज़्यादा बर्तन देख के दिमाग और मतलब धोने तो है ही फिर भी दिमाग में थोड़ा प्रेशर सा पड़ जाता है, वो प्रेशर ना पड़े करके तो मैं जल्दी से जब तक एक एक करके बर्तन मसाले धोने तेल निकल धो के मैंने मसाला अभी मेरा भुना नहीं है तब तक इसको ऐसे ही अभी मैंने कुछ मसाला मिक्स नहीं करा इसमें। ये है मेरा ना भुना हुआ जीरा धनिया खड़े मसाले ये सीक्रेट है मैं कितने सुपर फास्ट काम करती हूँ। तो मेरा मसाला अभी भी तैयार नहीं हुआ तो ये चढ़ा देती हूँ मैं चावल।
चावल दोनों का भी मैंने रख दिया। तो ये रेडी हो गया मेरा गर्मा गर्म। तो आप लोग कहेंगे चिकन विकन बनाया तो अकेले खा रही, अकेले इसलिए खा रही हूँ क्योंकि बेटी आई बहुत देर में और हस्बैंड कहते तुम बना के खा लेना। तो ये है डॉन, इसको मैंने इसका स्टकर दे दिया है, थोड़ी देर में दूंगी, ये मसाले वाला नहीं है तेरा, समझ में आया तुझे, मसाले वाला नहीं है ना तेरा। कुछ ज्यादा नहीं उछल रहा, गरम ये तो मुझे कैमरे में आने ही नहीं देता है। मनु मत कर, मैंने यही सिखाया तुझे, ऐसे नहीं देखते ना। अभी मैं तुझे और दे दूंगी, चल इसने मुझे धक्का मार के सोफे में से नीचे गिराया, ठीक है। ये देखो अब मुझसे लड़ रहा है ये ये देखिए इसकी लड़ाई, अभी मुझसे लड़ रहा है, कह रहा है अब मैं नीचे बैठी हूँ तो ये नीचे बैठना चाह रहा है। डॉन अब मैं सोफे में बैठूंगी, तो पहले इसने मेरे को इतना गिराया, ये देखो रहने दे कर लेंगे वो लोग, अरे मत करा। तो दिन भर तो ऐसा बीता, शाम को मूंगफली इंजॉय करती हूँ, मूंगफली खाती हूँ, ठंड के दिन है, मूंगफली भी खाना चाहिए, हेल्दी होती है। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्यारे मेरे दोस्तों, प्लीज यार मेरे मित्रों प्लीज बताओ कि कैसे लगते हैं ब्लॉग, कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा था प्लीज कमेंट्स में बताना, ठीक है। और मैं तो ऐसे ही खाते रहती हूँ, भुक्कड़ भुक्कड़ तो नहीं हूँ मगर मैं खाते रहती हूँ। मुझे खाना पीना घूमना अच्छा लगता है और अपने को एक्टिव रखना पसंद है मुझे। तो ठीक है बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे पे। प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे आप लोग कैसा लगा मेरा।